हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनीता। हर रोज की तरह इस वक्त इसी कार्यक्रम में हम मुद्दे उठाते हैं जनता से जुड़े हुए और जनता से ही हम राय लेते हैं। तो आज हल्ला बोल में हम मुद्दा उठाने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण का। जिस तरह से त्योहारी सीजन नजदीक आता है तो उसी तरह से हम देखते हैं कि शहरों की वायु की गुणवत्ता भी खराब होने लगती है। तो गुरुग्राम में भी वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई महीनों के बाद शुक्रवार को वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। लॉकडाउन के बाद शुक्रवार प्रदूषित दिन बना रहा। लॉकडाउन से पहले शहर में वायु प्रदूषण का स्तर ज्यादा दर्ज किया जाता रहा है। शुक्रवार को 274 पीएम 2.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। पिछले दिनों में अभी तक 200 और 230 पीएम 2.5 के करीब दर्ज किया जाता रहा है, लेकिन शुक्रवार को एकाएक प्रदूषण बढ़ गया। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारणों की जानकारी हालांकि किसी को नहीं है, लेकिन जिस तरह से शहर में हर रोज प्रदूषण एकदम से बढ़ा है उससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर सामान्य से ज्यादा रहेगा। वहीं इस मामले में अगर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कुलदीप की माने तो ईपीसीए के आदेशों का पालन किया जाएगा और अगर इन आदेशों की अवहेलना कोई करेगा तो उस पर उपरोक्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए जिले के 22 विभागों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो जो बड़े शहर हैं उन बड़े शहरों में सबसे पहले जिक्र हम हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम का करेंगे, जहां प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज हमारा मुद्दा यही है कि जो बड़े शहर हैं उनमें ये प्रदूषण क्यों बढ़ता है, क्या कारण है, जनता क्या लापरवाह नजर आती है जिस कारण प्रदूषण बढ़ता है, और जब भी प्रदूषण बढ़ता है दिल्ली में, गुरुग्राम में या फिर दिल्ली से सटे हुए इलाकों में, तो सबसे पहले निगाहें जाती हैं किसानों की पराली पर। क्या किसान पराली जलाते हैं इसलिए प्रदूषण बढ़ता है? लेकिन इस वक्त हम भूल जाते हैं कि बड़े शहरों में न जाने कितनी फैक्ट्रियां हैं, न जाने कितने वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। तो ऐसे में उनके लिए हिदायत क्यों नहीं बनाई गई है? तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही आप बता सकते हैं कि आपके इलाके में प्रदूषण का स्तर कितना है, किस तरह से आपके इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। हल्ला बोल ये कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम जनता की ही राय लेते हैं, जनता से जानते हैं कि वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और आज हम मुद्दा उठा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण का। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर किस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब त्योहारी सीजन भी नजदीक है, दशहरा आने वाला है, दीपावली का त्योहार आने वाला है, तो तमाम उत्सवों की बेला के दौरान इस तरह की जो खबरें सामने आती हैं वो खबरें हर नागरिक की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करती हैं। हर नागरिक को भी यहां पर सोचना होगा, समझना होगा कि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उस प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जाए, इस प्रदूषण पर लगाम कैसे कसी जाए, इस प्रदूषण को किस तरह से जांचा जाए। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, वो हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है और इस कार्यक्रम के मार्फत हम जनता से जानते हैं कि वो किन किन परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, उनके इलाके में प्रदूषण का क्या स्तर है। तो फिर लौटा जहरीला स्मॉग, जानलेवा हुई गुरुग्राम की हवा। गुरुग्राम समेत आप देखिए दिल्ली, नोएडा, ये इलाके भी प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। आगे हालात और बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं और लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। लोगों ने आंखों में जलन की शिकायतें भी की हैं। अब हम बीते सालों की बात करें तो देखिए, तब कोरोना नहीं था तो लोग प्रदूषण के चलते मास्क लगाते हुए नजर आते थे, लोग मास्क लगाए दिल्ली में, गुरुग्राम में नजर आते थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस ने इस देश में दस्तक दी तो इस तरह से मास्क हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताओं में शामिल हो गया। तो ऐसे में कोरोना के बीच में एक और नया जहरीला कहर प्रदूषण का हमारे बीच में है। एक बार फिर से हमें प्रदूषण के प्रति जागरूक होना होगा और जब भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल किसानों पर खड़े हो जाते हैं
किसानों की पराली जलाना यहां कितना सही है, क्योंकि सरकार भी जो किसान पराली जला रहे हैं उनको हिदायतें दे रही है कि पराली ना जलाएं, अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए वो अपने खेतों में पराली का निपटान कर सकते हैं। लेकिन किसानों की ओर से भी कहा जाता है कि उन्हें पराली के निपटान के लिए कोई सुविधा, कोई आसान सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी जाती है। तो ऐसे में किसान भी किस तरह से अपनी पराली का निपटान करे और पराली ना जलाने के अलावा क्या उपाय है, तो हमारे साथ दर्शक पानीपत से जुड़ चुके हैं, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय आप देना चाहेंगे और किस समस्या से अवगत कराएंगे संदीप? यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है जी कि प्रोजेक्ट तो पराली बहुत जलाई जाती है, अभी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, बाकी चिमनियां है, जैसे उद्योग नगरी है, चिमनियों से प्रदूषण निकलता रहता है। एनजीटी की रिपोर्ट आई थी कि इनको बंद करो, लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं ये प्रदूषण जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था उस समय बंद हो गया था, लेकिन अब फिर शुरू हो गया है, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया संदीप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये माने जाएं चलते हुए वाहन, बड़ी फैक्ट्रियां, कल कारखाने, क्योंकि अगर हम पराली की बात करें तो देखिए जो किसान है उनका भी यही कहना है कि उनकी फसल तो सही रेट पर बिक नहीं रही है, तो ऐसे में किसान किस तरह से अपने खर्चे पर पराली का निपटान करें। अब दूसरी फसलें भी किसानों को बोनी है, अब दूसरी फसल के लिए किस तरह से खेत की मिट्टी तैयार करें, किस तरह से खेत तैयार करें, किस तरह से खेत जोते जाएं, और जो धान के अपशिष्ट बच जाते हैं उनको भी किस तरह से निपटाएं। हालांकि सरकार की ओर से किसानों को हिदायतें दी जा रही हैं, चुनौतीपूर्ण जो है वो तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, ग्राम सचिवों और सरपंचों को भी नोटिस दिया जा रहा है कि जिस इलाके में किसान पराली जलाते हुए नजर आए तो उनकी सूचना विभाग को जरूर दे, उनको जरूर बताएं कि कौन किसान ने, किस किसान ने उनके खेत में पराली जलाई है, किस किसान ने पराली फूकी है, और जिससे पर्यावरण प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर किसानों का जो कहना है कि लगातार कई सालों से सरकार कहती तो है कि पराली ना जलाएं, लेकिन किसानों को क्या राहत दी गई है, किसानों को क्या सुविधा दी गई है कि किसानों को पराली जलाने के अलावा कोई दूसरा उपाय सूझे। तो ऐसे में देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, साइबर सिटी गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और अगर हम तमाम जिलों की बात करें तो देखिए तमाम जिलों में खास तौर पर रोहतक की बात करें या फिर हम दूसरे जिलों की बात करें जो कि किसी गांव देहात से सटे हुए हैं, तो वहां का जो प्रदूषण है वो प्रदूषण बढ़ता हुआ कई बार नजर नहीं आता है, और कई बार वहां भी प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसे में जो साइबर सिटी या फिर दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, तो इस तरह बड़ी जनसंख्या वाले जो बड़े शहर हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर प्रदूषण जब बढ़ता नजर आता है तो केंद्र सरकार की निगाहें भी और तमाम सरकारों की निगाहें भी, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, तो वहीं पर टिकी होती किस तरह से प्रदूषण को रोका जाए। बढ़ता प्रदूषण एक बड़ी समस्या है खासतौर पर गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा के लिए। यहां अगर हम जलवायु की बात करें तो यहां किस तरह से साल के इन 12 महीनों में जलवायु को परिवर्तित करने की, रोकने की कोशिश की जाती है। अगर हम बात करें बड़ी फैक्ट्रियों की तो कितना धुआं है जो साल भर इन फैक्ट्रियों से निकलता है, कल कारखाने हैं, कितना गंदा पानी है जो कल कारखानों का नदियों में शामिल होता है, दूषित पानी साफ नदियों में जाता है, जिससे जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं या फिर ये कहें कि जो गांव देहात के व्यक्ति हैं वो उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, या तो उनकी फसलें खराब हो जाते हैं, पशु बीमार हो जाते हैं, या फिर वो खुद उस पानी को पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में कई समस्याएं हैं। तो इसी बीच हमारे साथ दर्शक सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, साथ ही बताएं कि आपके इलाके में क्या प्रदूषण बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो क्या कारण माने? जी बिल्कुल, देखिए कारण यही है कि जो फरीदाबाद में जितने भी इंडस्ट्री ज्यादा कंपनियों में धुआं आता है, कई अवैध कंपनियां यहाँ पर चल रही है, सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि फरीदाबाद एनसीआर की बात करें तो इस तरीके से अभी हाल ही में बल्लमगढ़ पूरे देश में नंबर वन आया था, फरीदाबाद से सटा हुआ है बल्लमगढ़, तो साफ तौर पर सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम करती है, मैंने आज भी
न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चला रखी है पोल्यूशन को लेकर कि रेड लाइट पर अपनी गाड़ियों को वॉक करें। तमाम जो दिल्ली के शहरवासी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो दिल्ली को सेफ रखना चाहते हैं, उस मुहिम का सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो लोगों को भी यहाँ पर जागरूक होना होगा, सरकार को, तमाम अधिकारियों को भी सोचना होगा इस बारे में। और क्योंकि पॉल्यूशन बहुत गंभीर बीमारी है, मैं आपको बता दूँ की फरीदाबाद में बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही है। तमाम सांसें की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम, तमाम अन्य बीमारियों की बात करें, तो सरकार से मेरी यही अनुरोध है कि इस और ध्यान दें और फरीदाबाद में जो तमाम अवैध कंपनियां हैं जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उनसे कार्रवाई करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी बीच पवन सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा अपने इलाके में बताएं कि यहाँ प्रदूषण क्या फैल रहा है, और अगर फैल रहा है तो क्या कारण यहाँ पर नजर आ रहा है, अपने विचार भी साझा करें। राम मैडम, बहुत बढ़िया है, और इस हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करें, या जो टीम है और हरियाणा का नाम जो रोशन कर रही है, ये मुद्दे जो उठा है यो बहुत बढ़िया लगा हमने। बहुत शुक्रिया पवन, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात जो अगर बात करो तो जी बात दिखाने लग रही है पोल्यूशन की, सरकार इन किसानों पर लाठी ठान लग रही है। अगर ये पराली फूक रहे हैं, ये जो देश के लिए सबसे तो बड़े जो घातक हैं, जो बीमारी फैलाने लग रही है, जीव जंतु भी मर रहे हैं, जहरी लग गए छोड़न लग रही है, जहरीली धुआं छोड़न लग रही है, जिससे जीव जंतु भी मर रहे हैं। और एक बता गई कि जो टाइम धुंध पड़ेगी, ऊपर तो धुंध पड़ेगी, नीचे तो जहरी लग गए छोड़ना चाहिए, फैक्ट्रिया पर पाबंदी लगाओ ना, जो देश में सब तक गुंडा काम करने लग रहे। जो लॉकडाउन होया था इसमें एक अपने परत हो प्रभावी रिपेयर हो गई थी, इतने छेद कर दिए थे फैक्ट्री वाला ने, अगर आप इंसानियत इंसाना बचाओ, चाहे जीव जंतु बचाओ, सब क्या अनाथ करने लग रहे हैं। जो यार जहरी लग गया दुआ छोटे हैं, इससे जीव जंतु तो मरा ही मरा है, पक्षी मरा है, अरे पशु भी बीमार हुए हैं, जमीन में पानी छोड़ने लग रहे, ऊपर धुआं छोड़ने लग रहे, और इन पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही। यह सरकार सिर्फ किसानों की दुश्मन है, किसानों ने मारेगी, अरे इन फैक्ट्री वाला पर कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी तो फैक्ट्री पर जरूरी है, जब ये पॉल्यूशन फैलने लग रहा है तो इन पर पाबंदी लगानी जरूरी है। इन जो अस्थमे के हैं, एलर्जी के हैं, जिन लोगों ने सांस लेने में दिक्कत है, वे उन मरीजों से जाकर पूछो कितनी बुरी हालत है। ये फैक्ट्री मालिक इस देश का ही सबसे बड़े घातक हैं, जितना देर फैलाने लग रही है, अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं तो पाबंदी लगा सके है। चमनी लगानी हो है, पानी वाली चमनी हो, जिसमें धुआं जावे, सड़क का जावे, ताकि नुकसान ना हो है। पर ये सीधे चला गए हैं फैक्ट्री, फैक्ट्री पे चलाओ है, ये अधिकारी मिली भगत है, जब ये फैक्ट्री चल रहे हैं अधिकारी जब जिस दिन काम करने लग जाएंगे इस देश के, उस दिन ये देश सुधरेगा। सरकारी कर्मचारी लग गए पास, इस देश का सबसे बुरा काम है, सरकार जो है टैक्स का पैसा लेवा है, तनख्वाह लेवा है, पर सरकारी कर्मचारी काम ना करते, काम कर रहे हैं तो ये इस तरह की जो परेशानी है लोगों ने, ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। इवन न्यू देख लो, ये जो आप मुद्दा दिखाने लग रहे हो बड़ा बढ़िया मुद्दा है, और लोगों की सहित बताओ जा, और ध्यान दिया जा। ईडियाड़े का मान लो सोनीपत में हमारे में इतने बड़े बड़ी फैक्ट्रियां हैं, हम देखे हैं तड़के प्रति काला धुआं दिखा है आसमान में, ईद जब धुंध पड़ेगी तो और बुरा हाल हो जाएगा, रोड पर तालन का गाड़ी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत अच्छे विचार आपने साझा किए। और इसी बीच हमारे साथ गुरुग्राम से मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, और साथ ही बताएं कि साइबर सिटी में पॉल्यूशन का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको क्या कारण लग रहा है? मुकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो मुकेश से हमारा संवाद नहीं हो पाया, तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दर्शक राजेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम पोल्यूशन का मुद्दा उठा रहे हैं कि बढ़ता प्रदूषण है, उस पर लगाम किस तरह से लगेगी, अपने शहर की स्थिति भी आप बताएं, और बताएं कि प्रदूषण बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं, अपनी राय व्यक्त करें, अपने विचार साझा करें। प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो जो ट्रैफिक है सड़कों पर, वो बहुत ज्यादा दोबारा से शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं जो कारखाने बंद थे वो भी चालू हो गए हैं, और जो पराली जलाई जा रही है सबसे बड़ा कारण वो माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो पॉल्यूशन है वो लोगों के लिए काफी दिक्कतें पैदा कर रहा है, जो मरीज हैं उनके लिए खासी जो श्वास के मरीज हैं उनके लिए खासी परेशानी का
सबब बन रहा है, तो लगातार जो पॉल्यूशन की मात्रा वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, और इसमें आम आदमी का सहयोग भी बहुत जरूरी है कि वो भी इससे फैलाने से बचें और लोगों को भी जागरूक करें। जी बहुत शुक्रिया राजेंद्र कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो लगातार हम पूछ रहे हैं जनता से, अलग अलग जिलों के दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि उनके जिले में पॉल्यूशन का स्तर किस तरह से नजर आते हैं कि दिल्ली से सटे हुए इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है, तो ऐसे में क्या कारण माने इस बढ़ते हुए प्रदूषण का। हल्ला बोल में हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा, तमाम दर्शक इस वक्त जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, और ये मंच जनता का ही मंच है। आप क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम हर जिले में प्रदूषण किस तरह से फैल रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। हर मुद्दे पर हम जनता की राय लेते हैं, उन्हीं रायों के तहत हम जो है उन तमाम मुद्दों पर विचार करते हैं, गौर करते हैं कि और क्या मुद्दे, क्या समस्याएं हैं जो फिलहाल दर्शक या फिर इस प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो बड़े शहर हैं उनमें प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, और धान की फसल कहीं पर कट चुकी है, कहीं पर धान की फसल की कटाई जारी है, तो ऐसे में जहां जिन किसानों ने धान की फसल काट ली है वहां पर फसलों के अपशिष्ट पदार्थ, अगर हम उसे ठूंठ कह दें या फिर अगर उसे फांस कहें, तो वो किसानों की ओर से जलाए जा रहे हैं। तो प्रदूषण बढ़ने का जो कारण है वो ये भी माना जा रहा है कि किसानों की पराली से जो धुआं उठ रहा है वो कारण है, लेकिन क्या इन 12 महीनों में जितने वाहन चलते हैं उनकी गिनती हो पाई है इन साइबर सिटी में? क्या यहां जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने कल कारखाने हैं, उनसे निकलने वाले धुएं की मात्रा तय हो पाई है? यहां से जो दूषित पानी निकलता है वो पानी जाकर नदियों में मिलता है, नहरों में मिलता है, और जो पानी किसान गांव देहात में अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं, जिस पानी को लोग अपने पशुओं को नहलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पानी में किस तरह से कितने कण मौजूद होते हैं, किस तरह से दूषित पानी ये होता है। तो ऐसे में आप जो ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इन संसाधनों को भी किस तरह से दूषित किया जाता है, तो उन पर किसी तरह की कोई लगाम क्यों नहीं लगाने की कोशिश की जाती है। दर्शक सुरेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही आप ये भी बताएं कि इस वक्त रोहतक में पर्यावरण का स्तर किस तरह से नजर आ रहा है? अच्छा जी, ये किसान और नौजवानों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, किसानों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? ये फैक्ट्रिया वाले गंदा पानी छोड़े, प्रदूषण छोड़े, धुआं छोड़े, तो उनको क्यों नहीं करेंगे? ये किसान के पीछे पड़ रहे हैं, किसान तो वैसे ही मरा पड़ा है, जो उनके पास कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, वो फसल बर्बाद हो रही है, कुछ को नौकरी नहीं, पैसा नहीं, किसान तो वैसे बर्बाद है, ये कहना मेरा। जी बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अलग अलग जिलों से दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, दर्शक हमें बता रहे हैं कि हर बार ये जो पराली जलाने का मुद्दा उठाया जाता है तो उसमें पराली के निपटान की कोशिश सरकार की ओर से क्यों नहीं कराई जाती है? किसानों को प्रोत्साहित तो किया जाता है, लेकिन वो प्रोत्साहन बजट के जरिए क्यों नहीं होता? किसानों को मशीनें मुहैया क्यों नहीं करवाई जाती? किसान जिस लागत से धान बो चुके हैं फिलहाल, या जिस लागत से धान उन्हें मिले हैं, तो उनका कहना है कि उनकी जो जमीन है, पट्टे पर अगर किसी किसान ने जमीन ली है तो उसका रेट भी वो नहीं चुका पा रहे हैं। तो यहां पर कई सारे सवाल हैं, सवाल टिके हुए हैं बड़े शहरों के कल कारखानों पर, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल पर। तो ऐसे में जो 12 महीने हम गुजार देते हैं, जो जैसे ही त्योहार नजदीक आते तो वैसे ही प्रदूषण नजर आता है, वैसे ही हम मुद्दा उठाते हैं किसान पराली जला रहे हैं, लेकिन इन 12 महीनों के दौरान ये गिनती नहीं की जाती कितने वाहन हैं जो कि सड़कों पर दौड़ रहे हैं, कितने कल कारखाने हैं जिनसे इन 12 महीनों के दौरान धुआं निकलता हुआ नजर आता है। सुबह धुआं निकलना शुरू होता है और शाम के वक्त ही धुआं निकलता ही रहता है।
आज जाना तमाम दर्शकों से कि प्रदूषण पर उनका क्या कुछ विचार है, क्या कहना है, तमाम प्रतिक्रियाएं दर्शकों की ओर से हमारे सामने आई। तो इस कार्यक्रम में कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।